हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों 24 स्लॉट मधानी मोटर वाइंडिंग भाग दो है। जिन दोस्तों ने मेरा मधानी मोटर वाइंडिंग भाग एक नहीं देखा है तो वे भाग एक जरूर देखें। तो अब हम इस मधानी मोटर स्टेटर से सबसे पहले धागे को बाहर निकाल लेते हैं। कुछ मधानी मोटर बहुत बुरी तरह से जलकर आती हैं तो उनको हमें कटर की सहायता से काटना पड़ता है। यह कनेक्शन वायर है जो कि रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के हैं। तो अब हम दूसरी ओर भी इस धागे को आसानी से निकाल लेते हैं। मैं अपने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं, इस वजह से मैंने मधानी मोटर वाइंडिंग सीरीज शुरू की है। तो यह देखिए दोस्तों, यह स्टार्टिंग कॉइल है जिसे कि अब हम स्टेटर से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पेपर को बाहर निकाल लेते हैं जो कि कॉइल का सेपरेटर पेपर होता है जो कॉइल के ऊपर से लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम फर्स्ट स्टार्टिंग कॉइल को बड़ी ही आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार अब हम सभी स्टार्टिंग कॉइल को धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे। इसमें पिच 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 में दो बार रहती है। यह सेकंड कॉइल बाहर निकल आई है दोस्तों। अब हम थर्ड कॉइल को भी बाहर निकाल लेंगे। यह देखिए दोस्तों, थर्ड कॉइल भी हमारी बाहर निकल आई है। अब हम फोर्थ कॉइल को भी बाहर निकाल लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, हमारी चौथी कॉइल भी स्टेटर से बाहर निकल आई है। अब हम रनिंग कॉइल बाहर निकालेंगे। उससे पहले हम मधानी मोटर वाइंडिंग का डाटा देख लेते हैं जिसमें कि स्लॉट 24 है, कॉइल 8 है और इसका स्टैंडर्ड वायर गेज 35 है। यह रनिंग कॉइल है तो रनिंग और स्टार्टिंग में गेज 35 ही रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल का डाटा देख लेते हैं। तो इसमें कॉइल की लंबाई 18 इंच है जिससे कि मैं आपको माप के भी दिखा देता हूँ। किसी भी मोटर की कॉइल की लंबाई पुरानी कॉइल माप कर ही बनाई जाती है। तो यह देखिए दोस्तों, यह कॉइल 17.5 इंच की है
तो हम इसको 18 इंच की बना लेते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग क्वाल की लंबाई 18 इंच है। क्वाल के टर्न हम पुरानी क्वाल को गिनकर निकाल लेते हैं। तो इसमें मैंने टर्न गिन लिए हैं जो कि 250 हैं, 250 टर्न हैं। क्वाल का गेज 35 और क्वाल की पिच 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 में 2 बार। इसी प्रकार रनिंग क्वाल का डाटा मैं आपको बता देता हूँ। यह रनिंग क्वाल है तो रनिंग क्वाल की लंबाई भी 18 इंच ही रहेगी दोस्तों, चाहे वह कॉपर वायर से बाइंड की जाए या एल्युमिनियम वायर से। क्वाल के टर्न भी वही रहेंगे 250। क्वाल का गेज 35 और पिच 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 में 2 बार रहेगी। तो आप चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, जिससे आपको बाइंडिंग करने में आसानी रहेगी। तो अब चलिए हम रनिंग क्वाल को भी स्टेटर से बाहर निकाल लेते हैं। इस मधानी मोटर वाइंडिंग के भाग के बाद अब हम अगला भाग भी ज़रूर लेकर आएंगे, जिसे आप लोग देखना। तो अब हम रनिंग क्वाल को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यह 5वीं क्वाल हमारी स्टेटर से बाहर निकल आई है। अगला भाग हम जल्द ही चैनल पर अपलोड करेंगे। तो यह दूसरी रनिंग क्वाल बाहर निकल आई है और यह 6वीं क्वाल स्टेटर से बाहर निकल आती है। इसी प्रकार यह 7वीं क्वाल भी स्टेटर से हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारी आखिरी क्वाल स्टेटर से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 3 में।